नमस्ते एवरीवन, टुडे वी विल सी सारांश ऑफ मातृभूमि का मान बाय हरिकृष्ण प्रेमी। आज हम मातृभूमि का मान जो हरिकृष्ण प्रेमी जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी है उसका सारांश देखेंगे। यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी है मातृभूमि के मान। इसमें दर्शाया गया है कि राजपूत अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देने में बिल्कुल संकोच नहीं करते। वे मातृभूमि को कभी किसी के अधीन भी नहीं देख पाते हैं। इस मातृभूमि में सारे पात्र काफी शूर, वीर और अपनी मातृभूमि को बहुत प्रेम करने वाले हैं। आइए हम इसके कुछ पात्रों को देखते हैं। मातृभूमि का मान इस कहानी में दो शासक है, एक है राव हेमू और एक है महाराणा लाखा। राव हेमू जो बूंदी के शासक है वो काफी वीर है, स्वाभिमानी है, निर्भीक है, कभी किसी से डरते नहीं है और एक सच्चे राजपूत है। वही महाराणा लाखा वो मेवाड़ के शासक है। मेवाड़ और बूंदी ये दोनों ही राजस्थान के राज्य है। राव हेमू और महाराणा लाखा दोनों ही राजपूत है। तो महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक है, वीर देशभक्त है, वह एकता अखंडता के पक्ष में रहते हैं और वो हमेशा वीरों का सम्मान करते हैं। हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि राव हेमू जो बूंदी के शासक हैं और बूंदी के सैनिक और वहां के लोग सभी हाड़ा वंश के लोग हैं, जबकि महाराणा लाखा मेवाड़ के लोग और मेवाड़ के सारे सैनिक वो सिसोदिया वंश के राजपूत हैं। दोनों ही राजपूत हैं, पर बूंदी के लोग हाड़ा वंश के राजपूत हैं और महाराणा लाखा और मेवाड़ के सैनिक और लोग सिसोदिया वंश के राजपूत हैं। इस कहानी में एक और पात्र है जो कि है अभय सिंह। अभय सिंह मेवाड़ के सेनापति हैं और वो काफी वफादार सलाहकार हैं, पराक्रमी है, बुद्धिमान है और कुशल सेनापति है। वह हमेशा महाराणा लाखा को सही सलाह देते हैं। इस कहानी का प्रमुख पात्र है वीर सिंह। वीर सिंह अपने नाम के अनुसार ही काफी वीर है। वीर सिंह मेवाड़ की सेना के एक सिपाही हैं और वो बूंदी के रहने वाले हैं, मतलब कि वो एक हाड़ा है, हाड़ा वंश के हैं। वे काफी वीर है और वो पराक्रमी है। इस कहानी के मुख्य पात्र है जो कि अपने काफी स्वाभिमान है और नकली बूंदी दुर्ग की रक्षा करते करते अपने प्राणों की बलि दे देते हैं। आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दृश्य में हम देखते हैं कि अभय सिंह जो कि मेवाड़ के सेनापति हैं, वो राव हेमू के पास बूंदी जाते हैं और एक प्रस्ताव लेके जाते हैं। उस प्रस्ताव के अनुसार बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए, ये उनका प्रस्ताव होता है। क्योंकि महाराणा लाखा का मानना रहता है कि अगर सारे राजपूत अलग अलग रहेंगे तो उनकी असंगठित शक्तियों का फायदा विदेशी ताकतों का होगा, तो जो छोटे छोटे राज्य है उन सबको महाराणा लाखा की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए और उन्हें संगठित हो जाना चाहिए। ये प्रस्ताव जब राव हेमू के पास आता है तब राव हेमू इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, यह कहकर कि हाड़ा वंश काफी वहां के लोग काफी वीर है और वो कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वह विदेशी शक्ति हो चाहे वह मेवाड़ का महाराणा हो। यहाँ पर अभय सिंह उन्हें समझाते हैं कि महाराणा चाहते हैं कि सभी को एक सूत्र में बंधे रहना चाहिए, गूथे रहना चाहिए। तो राव हेमू का कहना है कि वह पहले से ही सारे राजपूत हैं और एक माला की तरह जुड़े हुए हैं और इस माला को तोड़ने का जो श्री गणेश शुभारंभ है वह इस प्रस्ताव से महाराणा लाखा ने कर दिया है। और राव हेमू ये भी कहते हैं कि बूंदी सदैव ही स्वतंत्र राज्य है, वह महाराणाओं का आदर करती है पर वह कभी किसी के अधीन होके उसकी सेवा करना कभी पसंद नहीं करेगा। तो हम ये स्पष्ट समझ में आता है कि राव हेमू अभय सिंह का जो प्रस्ताव था उसे ठुकरा देते हैं। उसके बाद दूसरे दृश्य में हम देखते हैं कि निमरा के मैदान में एक बार बूंदी के राव हेमू अचानक ही रात के समय
अपने सभी हड़ाओं को लेके, सैनिकों को लेके अचानक ही सिसोदिया के शिविर में आक्रमण कर देते हैं, और वहां से आकस्मिक जो एक हमला होता है उसके कारण महाराणा लाखा के सैनिकों को भागना पड़ता है, और न चाहते हुए भी महाराणा लाखा को वहां से भागना पड़ता है और वो हार जाते हैं। अब इस हार को महाराणा लाखा सहन नहीं कर पाते हैं और उन्हें लगता है कि मेवाड़ का जो गौरवपूर्ण एक इतिहास था, मैंने उस इतिहास में एक कलंक का टीका लगा दिया है। वो नहीं, अभी तक नहीं इस बात को स्वीकार कर पाए कि जो मुट्ठी भर बहुत थोड़े हाड़ा लोग हैं उनसे मेवाड़ को पराजित होना पड़ा और उससे उनके आत्मगौरव को काफी ठेस पहुंचती है। यहाँ पे अभय सिंह उन्हें काफी समझाते हैं कि आपने बहुत अच्छे से उनका सामना किया था, पर अचानक से जो हमला हुआ था इस कारण हमें वहां से भागना पड़ा, पर महाराणा को ये बात, ये अपयश और उन्हें एक कलंक के समान लगता है और वो इस कलंक के टीके को धोना चाहते हैं। तभी महाराणा एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं महारावल बाप्पा का वंशज, मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, मतलब जब तक मैं बूंदी में प्रवेश नहीं कर जाता और उनको जीत नहीं लेता, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अभय सिंह जब उन्हें समझाते हैं कि बूंदी एक छोटा राज्य है, उसके लिए हमें इतनी बड़ी प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि हाड़ा के जो लोग हैं वो काफी वीर है और आसानी से उन्हें जीत नहीं सकते, तो इतनी भीषण प्रतिज्ञा उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। पर महाराणा तो सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष हैं, जो प्राण जाए पर वचन न जाए, ये ही उनका जीवन का मूल मंत्र था। तो अब तो वो अपनी प्रतिज्ञा ले चुके थे और अब उन्हें वो प्रतिज्ञा किसी भी तरह पूरी करनी थी। तभी चारणी वहां पे आती है और चारणी एक अपने गीतों के द्वारा सभी राजपूतों को हमेशा एकत्रित रहने के लिए प्रेरित करती है और वो महाराणा को कहती है कि हमें इस तरह से हमारे ही राजपूत जो हाड़ा लोग के लोग हैं उनसे स्नेह का संबंध बनाना चाहिए और आपको इस तरह से उन पे आक्रमण करने की नहीं सोचनी चाहिए। पर अब तो महाराणा ने प्रतिज्ञा ले ली थी, तो इसका एक उपाय चारणी बताती है कि उन्हें एक नकली बूंदी के जैसा ही एक नकली दुर्ग मेवाड़ में बनाना चाहिए और महाराणा उसका विध्वंस करेंगे और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेंगे। मतलब वो नकली दुर्ग पे, बूंदी के नकली दुर्ग पे महाराणा लाखा अपनी विजय पताका फहराएंगे और इस तरह उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, और जब जरूरत पड़ने पे बाद में जब समय रहेगा तब वह अपनी प्रतिज्ञा असली में पूरी कर सकते हैं। यह योजना के तहत एक नकली दुर्ग बनाया जाता है जो कि हूबहू बूंदी की तरह ही होता है और अभय सिंह उसमें कुछ सैनिकों को, वीर सिंह और उसके कुछ साथी को दुर्ग में प्रवेश करने को कहते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप सिर्फ खाली खाली वार करेंगे ताकि थोड़ी ही देर में मेवाड़ के सैनिक नकली दुर्ग पे दुर्ग को जीत ले। पर जब वीर सिंह जो कि बूंदी का रहने वाला है और मेवाड़ में एक सैनिक था, जब अपनी ही मातृभूमि बूंदी का हूबहू दुर्ग, नकली दुर्ग देखते हैं, तो उनमें अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृत होता है। वो काफी स्वाभिमानी थे और उन्हें ये समझ में आ जाता है कि ये तो हमारे वंश के मान का मंदिर है ये दुर्ग, और हम इसे मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। वीर सिंह और उसके साथी आपस में जब बातचीत करते हैं तब वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भले ही उन्होंने महाराणा लाखा का नमक खाया है, परंतु जब मेवाड़ और बूंदी में जब भी युद्ध होगा तब उन्हें बूंदी की ओर से अपने प्राणों की बलि देनी होगी, क्योंकि वह उनकी मातृभूमि है, जन्मभूमि है। और इस पर वह निश्चय करते हैं कि जहां पर बूंदी है वहां पर हाड़ा है और जहां पर हाड़ा है वहां पर
बूंदी है। इस तरह वह नकली युद्ध नहीं, उसे एक वास्तविक युद्ध की तरह लड़ने का निश्चय करते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि शाम होने आ जाती है, सूर्य डूबने लगता है, फिर भी वीर सिंह और उनके कुछ साथी दुर्ग के अंदर से इतने अच्छे से वीरता पूर्वक लड़ रहे होते हैं कि वह मेवाड़ की बड़ी सेना को भी उस दुर्ग को जीतने नहीं देते हैं। और ये सब देख के महाराणा को अपने इस भूल का कहीं ना कहीं पश्चाताप होने लगता है, क्योंकि वह हमेशा वीरों का सम्मान करते हैं। तो वो वीर सिंह और उसके साहस की प्रशंसा करते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो और वीर सिंह के वो प्राणों का बलिदान न देना पड़े। पर वे अब भली भांति समझ गए होते हैं कि उन किसी भी तरह वीर सिंह और उनके लोगों की प्राणों की रक्षा करने का अब कोई उपाय नहीं है और उन्हें उनके बहुमूल्य प्राण लेकर भी उनकी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। और इस बात का उन्हें काफी दुख होता है। और थोड़ी ही देर में एक गोले के वार से वीर सिंह को वीर गति प्राप्त होती है और महाराणा लाखा और मेवाड़ की विजय होती है। महाराणा लाखा और मेवाड़ के जो सैनिक होते हैं वो बूंदी के दुर्ग पर अपनी विजय पताका फहरा रहे होते हैं और वहां पे विजय दुदुम्बी बज रही होती है। और महाराणा को अब कहीं ना कहीं ये पश्चाताप होता है कि मुझे ऐसी वीर जाति को अपने अधीन करने की जो इच्छा थी वह कहीं ना कहीं पागलपन था और उन्हें पश्चाताप होता है। तब चारणी उन्हें कहती है कि क्या मेवाड़ और बूंदी को एक होने का अब क्या कोई रास्ता है। पर महाराणा अभी भी वीर सिंह के शव के पास बैठे हुए, उनके चरणों के पास बैठकर उस अपराध के लिए वह क्षमा मांग रहे होते हैं, पश्चाताप कर रहे होते हैं, वीर सिंह की वीरता की प्रशंसा कर रहे होते हैं और ये भी सोच रहे होते हैं कि क्या बूंदी के राव और हाड़ा वंश का राजपूत इस दुर्घटना को कभी भूल पाएगा। और तभी वहां पे राव हेमो आते हैं और वो कहते हैं कि हम तो युगो युगो से, मतलब बूंदी के लोग और मेवाड़ के लोग और राव हेमो और महाराणा लाखा युगो युगो से एक है और एक ही रहेगी। राजपूतों में ना कोई राजा है ना कोई महाराजा है। बूंदी के हाड़ा सुख और दुख में चित्तौड़ के सिसोदियों के हमेशा साथ हैं और साथ ही रहेंगे और सभी मिलकर वीर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका उनके बलिदान को याद करते हुए कहते हैं कि वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्म भूमि का मान करना सिखाया है और हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से अमर आत्मा के आगे मस्तक झुकाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राव हेमु, महाराणा लाखा और वीर सिंह, ये सभी चरित्र वीर, शूरवीर, देशभक्त हैं और वो हमें एकता बनाए रखना, मातृभूमि से प्रेम करना, उसकी रक्षा करते हुए बलिदान देना, इन सभी भावनाओं को जागृत करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप यू ऑल लाइक द कंटेंट। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। कीप रीडिंग। बाय बाय।